दो डेरिवेशन हमने देखे, एक के अंदर दोनों में कैलकुलेट करना था पोटेंशियल, लेकिन एक के अंदर दे रखा था शेयर या हम कह सकते हैं कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरे के अंदर दे रखा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों के अंदर फॉर्मूले क्या आए थे, एक अपन ने देखा था कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर इसको दे सकता है वो शेल, दूसरा हमने देखा था नॉन कंडक्टिंग। दोनों के डायग्राम में डिफरेंस ध्यान रखना, इसके अंदर सारा चार्ज कहाँ जाएगा आउटसाइड बाहर की तरफ सरफेस पर, और इसका जब डायग्राम बनाया था तब सारा चार्ज कहाँ था अंदर इनसाइड। पहले इसके अंदर तीन कंडीशन देखी थी, इसके अंदर कितनी कंडीशन देखी थी, तीन कंडीशन। अब इसके अंदर तीन कंडीशन देखी, इसके अंदर तीन कंडीशन देखी, इसमें से दो कंडीशन तो अपनी सेम थी। ये था अपना पॉइंट पहला आउटसाइड, नंबर दो सरफेस और नंबर तीन इनसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, यहाँ पर भी क्या मिला था के क्यू अपॉन स्मॉल आर, मैंने कहा था एज इट इज आप उतार लेना। जो इसका फर्स्ट डेरिवेशन, जो फर्स्ट इसका जो केस है कंडीशन है इस डेरिवेशन की, वो इसी के रहेगी। सेकेंड जो कंडीशन है उसमें कितना आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये भी कितना जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। थर्ड कंडीशन में थोड़ा अलग था, इंटरोगेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इन्फाइनाइट टू सरफेस, सरफेस तक कितनी डिस्टेंस है कैपिटल आर डिस्टेंस, और कैपिटल आर से स्मॉल आर डिस्टेंस दो पार्ट में इंटरोगेशन डिवाइड किया था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी अलग है और अंदर भी अलग है। बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पर तो हमको मिला था के क्यू अपन कैपिटल आर, और यहाँ मिला था के क्यू अपन आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको मिला था। तो ये मैंने कहा है चैप्टर के खत्म होने के बाद एक टेबल के फॉर्म में बना ले, ताकि सारे फॉर्मूले का आपके पास कलेक्शन रहे, जब न्यूमेरिकल करो तो अलग से ढूंढने नहीं पड़े, डायरेक्ट उस टेबल में जाओगे और सारे फॉर्मूले आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप टेबल में जब उतारे तो पूरा कंसेप्ट वाइज इस तरह से आप उतारे इसको। आप देखो इसमें डिफरेंस खाली यही याद रखना आपको यहाँ पर और यहाँ पर, अगर आपको इसमें पूछता है कि कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, शेल या कंडक्टिंग स्फीयर कुछ भी देता है, पूछता है कि सेंटर पे, सेंटर का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो। इसके लिए पूछता नॉन कंडक्टिंग में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो, ठीक है। फिर आपको पूछता है कि यहाँ शेल के लिए कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सेंटर पोटेंशियल कितना होगा, तो ये लास्ट है फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्या यहाँ स्मॉल आर आ रहा है, कहीं पे भी स्मॉल आर आ रहा है क्या, स्मॉल आर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं स्मॉल आर अपन रख नहीं सकते। सेंटर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, मतलब सेंटर पे जितना पोटेंशियल है सब जगह उतना ही पोटेंशियल रहता है, और सरफेस पर भी कितना रहेगा के क्यू अपॉन आर, इनसाइड भी कितना रहेगा के क्यू अपॉन आर, सेंटर पे भी कितना रहेगा के क्यू अपॉन आर, मतलब सब जगह एक जैसा रहेगा। इसको हमने कहा था कॉन्स्टेंट, और इसका ग्राफ भी बनाया था, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया बनाया था अपने भी, ये सेंटर पे मैक्सिमम के क्यू अपॉन आर, फिर कॉन्स्टेंट रहेगा सरफेस तक के क्यू अपॉन आर, सरफेस के बाद के क्यू अपॉन आर, आर बढ़ाते जा रहे हैं पोटेंशियल कम होता जाएगा। यहाँ पर देखो ये आउटसाइड सरफेस और ये इनसाइड, अब इनसाइड में अगर सेंटर का पूछे आर इक्वल टू जीरो, ये देखा था अभी आर इक्वल टू में जीरो करते हैं तो कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर 3/2 माइनस, ये तो पूरा जीरो हो गया 3/2, ये 1.5 के क्यू अपॉन आर, मतलब सेंटर पे है, सेंटर पर कितना है सॉरी सरफेस पे कितना है के क्यू अपॉन आर, सरफेस पे कितना है के क्यू अपॉन आर, सरफेस पे किसका मल्टीप्लाई करें 1.5 का, तो अपने को कहाँ का मिलेगा सेंटर का पोटेंशियल मिलेगा, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आर बढ़ रहा है और आर बढ़ रहा है और फिर इसमें इस 3/2 में से माइनस होता जा रहा है, जैसे जैसे सेंटर से हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आर स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा ये वाली टर्म्स भी बढ़ती जाएगी क्योंकि स्मॉल आर ऊपर है,
ये वाली पूरी जो टर्म्स है 1/2 r² / R² ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी और 3/2 में से माइनस करनी, माइनस करने मतलब ये टोटल वैल्यू कम होती जाएगी। अगर पॉइंट यहाँ पिन आ जाए, सरफेस पे आ जाए, देखो वापस ये फॉर्मूला आता नहीं आता, क्या लिख दूंगा यहाँ पर r² से r² कैंसिल, 3/2 - 1/2 कितना बचेगा, 2 LCM आया, 3 - 1/2 कितना बचा, 1/15 क्या बचा, k³/r, ये रहा सरफेस का फॉर्मूला आ गया k³/r। एग्जाम में इस तरह से चेक कर सकते हो, अगर फॉर्मूले में डाउट है, भूल जाओ, ऐसा कुछ हो तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो सरफेस का फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, रिलेशन सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो 1.5 × सरफेस, वी सरफेस, सरफेस पे जितना पोटेंशियल उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर का पोटेंशियल मिल जाएगा। बहुत सी बार इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। अब इसका ग्राफ बाकी है, शायद नॉन कंडक्टिंग है, ग्राफ बना दो, ग्राफ के अंदर सीधा आ जाएगा वेरिएशन, सीधी सी बात आ जाएगी उसके अंदर, वेरिएशन बिटवीन किसके बीच का वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। ये सीधा ग्राफ बन जाएगा एक, यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस, ये सेंटर, सॉरी ये सेंटर और ये सरफेस वाला एक भाग। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो, सेंटर पे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे मैक्सिमम नहीं होगा, इसमें सेंटर पे मैक्सिमम होगा, फिर सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता जाएगा, फिर सरफेस पे कम हुआ, सरफेस के बाद रैपिडली कम होगा, और इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। ये वाला पोर्शन कौन सा है, इनसाइड या इनसाइड लिख दे, ये वाला भाग कौन सा है, सरफेस या सरफेस लिख दे, और ये वाला भाग कौन सा जाएगा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारा निकलना है पोटेंशियल एनर्जी का, और सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब एक से ज्यादा चार्ज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूला देखते हैं 2 चार्जेस के लिए, तो उसके बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, तो दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद अपन 3-4 चार्जेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास अभी तक फॉर्मूले पड़े, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेटेड किया था वर्क डन से, W/Q, और वर्क डन और एनर्जी में रिलेशन मिल जाता है तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ रखी है, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, पढ़ा था ये 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क डन है वो एनर्जी चेंज इन एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच की एनर्जी का जो चेंज है डेल्टा के, W=ΔK के बराबर हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ KF - KI, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, KF - KI, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी है तो सिंबल हम लेंगे U, इलेवंथ में जो पढ़ रहा था वो क्या सिंबल का यूज किया था, तब सिंबल अपन यूज करेंगे U। मान लो एक चार्ज है Q1, ठीक है, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए यहाँ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी और चार्ज को रखा मैंने, मान लो Q2, और कौन से पॉइंट पे रखा, तो इनिशियल पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया I, और ये वाला नॉर्मल इसको देखो इनिशियल पॉइंट है, A पॉइंट दे दो, A पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, Q2 चार्ज को A पॉइंट पे रखा है, अब सिर्फ Q2 की बात करते हैं, अब Q1 जो चार्ज है वो Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा, F, फोर्स कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये Q2 चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा, हमने मान लिया ये कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस होकर कौन से पॉइंट पर आ गया, B पॉइंट पर आ गया, Q2 डिस्प्लेस होकर किस पॉइंट पे आ गया, B पॉइंट पे, B इसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा,
फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यू वन से क्यू टू, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, क्यू टू ए पॉइंट पर था, क्यू टू डिस्प्लेस होकर बी पॉइंट पर आ गया फाइनल पॉइंट। तो ऐसे जो बी यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस फोर्स की वजह से समर्पण किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डब्ल्यू ई, मैंने सिंबल क्या रख दिया इसका डब्ल्यू ई। डब्ल्यू ई क्या मतलब वर्क डन बाय वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने इसका नाम रख दिया डब्ल्यू ई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मान लो मैं एक्सटर्नल इसके ऊपर वर्क वर्क लगा फोर्स लगाता हूँ, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको बी टू ए लेकर गया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया बी टू ए लेकर गया, सेम डिस्प्लेसमेंट किया, इसका मतलब वर्क डन होगा। इस वर्क डन को मैंने नाम दे दिया डब्ल्यू ई एक्स टी, डब्ल्यू ई एक्स टी का मतलब एक्सटर्नल वर्क डन। लेकिन इसको मैं लिखूंगा क्या, वर्क डन बाय, दोनों वर्क डन ही है, दोनों वर्क डन सेम होंगे क्योंकि फोर्स सेम लगा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पहला जो वर्क डन है डब्ल्यू ई इसने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया था, और ये डब्ल्यू ई एच सी जो दूसरा वर्क डन है बी टू है, ये ए टू बी है, ये बी टू है, ये जो वर्क डन है वो किसने किया, एक्सटर्नल फोर्स ने। हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इन दोनों वर्क डन में क्या रिलेशन होगा, तो दोनों की डायरेक्शन अपन ऊपर से बता सकते हैं, ये ए टू बी है, ये बी टू ए है, फोर्सेस की डायरेक्शन उल्टी है। मैं इसको लिखता हूं डब्ल्यू ई इक्वल टू या माइनस डब्ल्यू ई इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी। हाँ ये देख लिया था, माइनस डब्ल्यू ई इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसी बाहरी फोर्स ने इस पे का वर्क किया, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क डन किया। दोनों वर्क डन इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, दोनों ऑपोजिट होंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, मान लो अब रिलेशन इसका देखते हैं थोड़ा, यहां पर अगर मैं ये लिखूं यहां की एनर्जी यू आई मान लो, पोटेंशियल एनर्जी यहां की यू एफ मान लो, तो ध्यान रखना किस चार्ज के पास एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं क्यू टू को पोजीशन बदलूं, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये क्यू वन रखा और ये क्यू टू रखा, फिर क्यू वन और क्यू टू दोनों में डिस्टेंस देखो, ये आर वन डिस्टेंस है, ये आर टू डिस्टेंस है, किस वर्क डन किस में ज्यादा होगा या एनर्जी किस में ज्यादा होगी। तो जो चार्ज पास पास होंगे, ये आर वन डिस्टेंस है, ये आर टू डिस्टेंस है, आर टू ग्रेटर देन आर वन, आर टू बड़ा है आर वन से, तो हम कह सकते हैं एफ वन ग्रेटर देन एफ टू, जिसकी डिस्टेंस इसका फोर्स एफ वन इसका फोर्स F2, जिसकी डिस्टेंस कम होगी इसका फोर्स भी ज्यादा लगेगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा, जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसमें चेंज इन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो ये रहा अपना UI और ये रहा UF, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन एनर्जी कितना देगा, UF माइनस UI। चेंज इन एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन एनर्जी यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू, अभी वर्क डन कौन सा है डब्ल्यू ई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए हैं, तो चेंज इन एनर्जी यू एफ माइनस यू आई ये किसके बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ई। लेकिन यहां ध्यान रखना वर्क डन यहां पर जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यू एफ माइनस यू आई करना हमको तो चेंज इन एनर्जी कैसे निकलता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, लेकिन डिस्टेंस जिसकी ज्यादा पास में होगी उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। अगर चार्जेस को मैं इतना पास रखूं तो ये वाला जो दूसरा चार्ज उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी और ज्यादा एनर्जी से वो रिपेल करेगा, चार्जेस को थोड़ा डिस्टेंस पे रखा तो डिस्टेंस पे रखा तो एनर्जी कम होगी, कम एनर्जी से रिपेल करेगा। तो जो चार्ज जितने ज्यादा पास होंगे मतलब यू आई बड़ा होगा यू एफ बड़ा होगा, हम लिख सकते हैं यू आई ग्रेटर देन यू एफ, UI जो UI A पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा थी, F
यू एफ, बी पॉइंट पे उसकी एनर्जी कम है, तो यू आई ग्रेटर देन यू एफ, तो ये वाली जो टर्म है यू एफ माइनस यू आर ये नेगेटिव में आएगी, तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगा देता हूँ, माइनस डब्ल्यू ई। अब ये माइनस नहीं चाहिए मुझे, कन्वर्ट करना है डब्ल्यू ई एक्स टी में, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का उसमें भी डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स ही ले लिया था, एड टू बी फिर उसको कन्वर्ट कर दिया था, बी टू है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ अगर डब्ल्यू ई एक्स टी के फॉर्म में लिखे, ये डब्ल्यू ई है, अगर मैं इसको डब्ल्यू ई एक्स टी के फॉर्म में लिखूँ यू आई यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू कितना आ जाएगा डब्ल्यू ई एक्स टी, लिख सकता हूँ ठीक है, क्योंकि दोनों वर्क डन कैसे इक्वल है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये हो गया माइनस डब्ल्यू ई, ये हो गया डब्ल्यू ई एक्स टी, तो यू एफ माइनस यू आई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पूरा बोलना इसको वर्क डन नहीं है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों चीजें अलग है लेकिन दोनों की लैंग्वेज है, दोनों चीजें एक जैसी दिख रही है, यहाँ पर वर्क डब्ल्यू दिख रहा है डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, डब्ल्यू एक्सटी एक्सटर्नल फोर्स, डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या माइनस नहीं आएगा। अब देखो ये रिलेशन मिल गया हमको, और वर्क डन का पोटेंशियल के साथ रिलेशन हमको पता है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें, अब देखो इसको, इस पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे रख देते हैं, फिर से एक और डायग्राम बना देते हैं, क्यू वन ले लिया, इनिशियल पॉइंट को कहाँ ले जाते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट ठीक है, और मान लो यहां से किसी चार्ज को क्यू टू चार्ज को जो Q1 से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, और ये फाइनल पॉइंट है आपका, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो A, इस B पॉइंट तक लाना है, ये B पॉइंट ठीक है, Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट B है वहां तक लाना है ठीक है, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ये फाइनल पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर है, पॉइंट कौन सा B, ये पॉइंट हो गया F। अब अपन पोटेंशियल और वर्क डन के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमने पढ़ा था वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू वी ए अपन क्यू नॉट, तो यहाँ क्यू नॉट, वहां क्यू नॉट चार्ज यूज किया था, यहाँ क्यू नॉट नहीं है, यहाँ क्या क्यू टू, अब देखो इसको, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था पोटेंशियल का, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल v इक्वल टू क्या ले पढ़ा था अपन ने, v इक्वल टू w अपॉन q नॉट, ये पढ़ा था पोटेंशियल की डेफिनेशन, v इक्वल टू w अपॉन q नॉट, ये w कौन सा था एक्सटर्नल वर्क डन, q नॉट जिस चार्ज को हम ला रहे हैं यहाँ पर, किसको ला रहे हैं Q2 को, तो यहाँ रिप्लेस Q0 किससे रिप्लेस हो जाएगा Q2 से, और पोटेंशियल है वही है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ B equal to W EXT, एक्सटर्नल वर्क डन का सिंबल क्या ले रहे हैं W EXT अपॉन Q2, Q0 की जगह क्या जाएगा Q2, तो W इसको इक्वेशन नंबर एक नाम दे दो W EXT equal to V into Q2, V into Q2, ये भी क्या है पोटेंशियल, कितने डिस्टेंस का पोटेंशियल है, आर डिस्टेंस का पोटेंशियल है, इस फॉर्मूले के अंदर वी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स टी अपॉन क्यू टू है, तो ये हमको पोटेंशियल देगा, कितने डिस्टेंस का देगा, आर डिस्टेंस का हमको पोटेंशियल देगा, ये पोटेंशियल किसने बनाया, कौन से चार्ज ने बनाया, क्यू वन ने, क्योंकि क्यू वन चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो ये पोटेंशियल किसका होगा, क्यू वन चार्ज का ही होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर डिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है, v इक्वल टू के क्यू बना, v इक्वल टू एट डिस्टेंस आर, v इक्वल टू के क्यू अपन आर, यहां पर के क्यू अपन आर नहीं लिखेंगे, सिंबल क्या q1, तो के क्यू वन अपन आर, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का यूज करो, बाय इक्वेशन वन टू एंड थ्री, इक्वेशन नंबर एक दो और तीन का यूज करो, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू,
WEXT के बराबर होता है WEXT V into Q2 के बराबर होता है, V किसके बराबर होता है K Q1 upon R, तो यहाँ हो जाएगा K Q1 Q2 upon R, और ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 upon R। और फॉर्मूले इस तरह टाइप के बहुत सारे पढ़ रखे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान रखना फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का, सारा फॉर्मूले पर लिख रहे हो, देख लो F इक्वल टू पढ़ा था K Q1 Q2 upon R square, फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड K Q upon R square, पोटेंशियल K Q upon R, और एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या देखो, पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 upon R, यहाँ R square कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 upon R square। फिर भी नहीं पता चले तो हमको पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन, फोर्स में अगर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, वर्क डन K Q1 Q2 upon R। ये याद रखने के तरीके हैं, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर भी रिलेशन हमको पता है, इलेक्ट्रिक में आर का मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल मिलता है, इनटू आर को तो एक आंसर के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ये हमको मिला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अगर मैं दो चार्ज ले लूं क्यू वन क्यू टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आर, और आपको पूछा जाए बताओ उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप लिखोगे U इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी आर, ये ठीक है। अगर आप अब आपको पूछता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ रहे हैं, तो पहले कितने चार्जेस का पढ़ा अपने, दो चार्जेस का, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितने चार्जेस के बीच का है, दो चार्जेस के बीच का है। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है बिटवीन थ्री चार्जेस, तीन चार्ज दिए हो, मान लो ये रख दिया मैंने Q1, ये यहाँ पर रख दिया Q2, और ये रख दिया यहाँ पर Q3, पॉइंट है A, पॉइंट है B और पॉइंट है C, और इन्होंने तीनों ने एक सिस्टम बना दिया कुछ इस टाइप का, ये अब फॉर्मूला क्या होगा, अगर दो चार्जेस हैं तो फॉर्मूला अपना होता है K Q1 Q2 upon R, तीन चार्जेस होते तो फॉर्मूला क्या होगा, तो तीनों चार्जेस के बीच में हम बीच की हमको डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए पहले, तो सबसे पहले तो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R12, इसलिए पता चल जाएगा ये Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, Q1 Q3 के बीच की डिस्टेंस R13, और Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R23, ये डिस्टेंस ठीक है। देख क्या रहे, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 इन सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर थ्री तीन चार्जेस हैं, दोनों को कौन, तीनों को किस पॉइंट पे रखा है, A B और C, कहां से ला रहे हैं तीनों चार्जेस को, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम ला रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी है R12, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस R23, Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R13, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस। अब हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट है उसका, सबसे पहले कौन सा चार्ज आया, पहले कोई चार्ज नहीं था यहाँ पर स्पेस के अंदर, ये पूरा ब्लैंक था, कोई चार्ज अपने पास था नहीं। सबसे पहले हम किस चार्ज को लेकर आए, इन्फाइनाइट से Q1 को लेकर आए, फिर किस चार्ज को लेकर आए, Q2 को लेकर आए, फिर किस चार्ज को लेकर आए, Q3 को लेकर आए। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो तीन पॉइंट थे A, B और C, ये तीन पॉइंट थे, या किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इनिशियली चार्ज है ही तो किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो सबसे पहले हम लेकर आए इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इसको लेकर आए Q1 को, इनफाइनाइट से Q1 को लेकर आए, और किस पॉइंट पे रखा, A पॉइंट पे रखा, पहले ऑलरेडी पहले कोई चार्ज नहीं था, सबसे पहले किसको लेकर आए Q1 को, क्या इस Q1 को कोई रिपेल करने वाला दूसरा चार्ज है, अगर यहाँ पर पहले से चार्ज होता तो इस Q1 को कोई रिपेल करता, अभी कोई चार्ज है रिपेल करने वाला, कोई चार्ज नहीं है, रिपेल करने वाला कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं, फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है, इसका रिपल्शन कोई फोर्स करेगा नहीं, तो इसका वर्क डन इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को A पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना होगा, जीरो, वर्क डन टू टेकिंग
q1 चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू पॉइंट a w1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन्फानेट से ए पॉइंट तक किसी क्यू वन चार्ज को लेकर आना है लेकिन यहाँ पर जिस जहां लेकर जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाते तो वर्क डन करना पड़ता किसी फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ता लेकिन यहाँ पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं कोई चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई नहीं तो यहाँ पर हम जब क्यू वन को लेकर आए फर्स्ट चार्जेस को तो उसमें हमको वर्क डन करना नहीं पड़ा डब्ल्यू वन इक्वल टू कितना मिला 0 अब मान लो इन्फानेट से दूसरे चार्ज को लेकर जा रहे हैं बी पॉइंट पे रखना है और चार्ज कौन सा है Q2 अब ध्यान से देखो जब Q2 को हम लेकर जा रहे हैं बी पॉइंट पर तो क्या वहां पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है पहले से कोई चार्ज है कौन सा है Q1 तो क्या ये Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा करेगा ठीक है ये Q1 जो चार्ज है इस Q2 को क्या करेगा रिपेल करेगा तो रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा तब हमको वर्क डन करना पड़ेगा तो अब नेक्स्ट लिखते हैं वर्क डन टू टेकिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू पॉइंट बी Q2 चार्ज को लेकर आना है अब ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है लेकिन यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला ये काम में आएगा नहीं यहां पर वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा है v = w / q तो w कितना देगा v.q यही होता है ठीक है ये कितने डिस्टेंस पर लिखकर जाना है इसको किस पॉइंट पर रखना है तो ये है R12 लिखा हुआ R12 तो Q1 का जिस पॉइंट पर Q2 को लेकर जा रहे हैं किस पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं B पॉइंट पर तो Q1 ने B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाया होगा तो V1 इक्वल टू नाम क्या दे दिया V1 क्योंकि W निकालना है V इंटू Q ये जो Q है वो उस चार्ज की वैल्यू होगी जिसको हम ला रहे हैं जिसके लिए वर्क डन करना है किसको लेकर जा रहे हैं Q2 यहाँ पर तो आ जाएगा Q2 और यहाँ V1 और V1 का मतलब होता है कि जिस जो चार्ज मतलब कौन सा चार्ज Q1 जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है या जिस चार्ज का पोटेंशियल बन रहा है यहाँ पर B पॉइंट पे रिपेल कौन कर रहा है Q1 तो ये B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाएगा इसको नाम दे दिया V1 क्योंकि Q1 ने बनाया कितना देगा K Q1 डिवाइड बाय R12 इसको क्या लिख सकता हूँ Q1 डिवाइड बाय R12 ये आया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 चार्ज तो मैं लिखूंगा पहले पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 चार्ज Q1 जिस पॉइंट पे लाना उस पॉइंट पे Q1 चार्ज का पोटेंशियल तो होगा किसी भी पॉइंट पे लेकर जाओ हर पॉइंट पे Q1 चार्ज पोटेंशियल बनाएगा हमको लेकर जाना बी पॉइंट पे तो बी पॉइंट पे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये जो Q1 चार्ज है वो B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बना रहा है तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R12 क्वेश्चन नंबर सेकंड अब वर्क डन कितना आ जाएगा जितना पोटेंशियल है उसमें मल्टीप्लाई कर दो जितना चार्ज को आपको लेकर जाना है किस चार्ज को लेकर जाना है Q2 को लेकर जाना है ठीक है तो वर्क डन टू टेकिंग Q2 चार्ज अब चार्ज कौन सा है Q2 चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू पॉइंट बी इनफिनिट से बी पॉइंट पर लेकर जाना है तो वर्क डन कितना होगा W इक्वल टू कितना आ जाएगा W1 तो ये हो गया W2 इक्वल टू V1 इनटू Q2 वर्क डन किस पे करना है Q2 पे करना है तो यहां पर सिंबल भी कौन सा आ जाएगा Q2 V1 into Q2, V1 की वैल्यू रखोगे तो W2 equal to K Q1 Q2 upon R12 equation number third W2 कितना आएगा K Q1 Q2 upon R12 ये आया अब लास्ट निकालना कौन सा है W3 अब वापिस से इसको देखो अगर ये वाला समझ में नहीं आया होगा थर्ड वाले में समझ में आ जाएगा फिर इनफिनिट से कौन से चार्ज को Q3 चार्ज को किस पॉइंट पर लेकर जाना है C पॉइंट पे ठीक है तो सबसे पहले ये बताओ वर्क डन V इनटू Q तो यहां का जो वर्क डन होगा यहां का जो वर्क डन होगा W3 किसके बराबर हो जाएगा V इनटू Q V1 सिंबल ले रखा इस बार सिंबल ले लेंगे V2 ठीक है इनटू V2 इनटू कितना हो जाएगा V2 इनटू किसको ला रहा Q3 को ला रहा V2 इनटू Q3 ये हो गया अब V2 की वैल्यू पोटेंशियल
तो बताओ यहाँ पर टोटल कितने पोटेंशियल बन रहे हैं सी पॉइंट पे, तो टोटल चार्ज कितने हैं? पहले तो क्यू वन अकेला था, अब कौन आ गया? क्यू टू भी है, अब दोनों चार्ज है, क्यू वन भी है क्यू टू भी है। ये क्यू वन सी पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा, ये क्यू टू भी सी पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है आर वन थ्री, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है आर टू थ्री। तो ये क्यू वन सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, इसको मैंने नाम देते वी क्यू वन इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा इसको, हाँ वी क्यू वन नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वी क्यू वन इक्वल टू कितना हो जाएगा के, किसने बनाया है क्यू वन ने, कितने डिस्टेंस पे बनाया है वन थ्री आर वन थ्री। उसी तरह से बी पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू टू, ये भी सी पॉइंट पे क्या बनाएगा पोटेंशियल, इसका सिंबल मैंने नाम दे दिया वी क्यू टू, ठीक है। ये कितना बनाएगा क्या, किसने बनाया क्यू टू ने, कितने डिस्टेंस पे बनाया आर टू थ्री। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा सी पॉइंट पे, वी क्यू वन प्लस वी क्यू टू, दोनों को ऐड करेंगे और फिर वो पोटेंशियल केवल यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू थ्री आ जाएगा। फिर तीनों का वर्क डन आएगा, तीनों वर्क डन को जोड़ दो तो टोटल वर्क डन आ जाएगा ऑफ थ्री सिस्टम। अब ये वाला मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, अब देखो इसको आगे देखा पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्यू टू क्यू वन एंड क्यू टू चार्ज कितना आ जाएगा वी क्यू वन नाम देते इसको, कितना आ जाएगा के क्यू वन अपन के क्यू वन अपन आर वन थ्री, और ये हो जाएगा वी क्यू टू इक्वल टू के क्यू टू अपन आर टू थ्री। टोटल चार्ज टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी वी टू नाम दे दो इसको, कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ दो के क्यू वन अपन आर वन थ्री प्लस के क्यू टू अपन आर टू थ्री, ठीक है। पोटेंशियल निकल जाएगा, वर्क डन निकाल दो, पोटेंशियल निकल गया तो वर्क डन एट पॉइंट किस पॉइंट का है, वर्क डन एट पॉइंट सी, वर्क डन टू टेकिंग क्यू थ्री चार्ज फ्रॉम इंफानेट टू पॉइंट कौन सा है सी, अब पॉइंट सी आएगा, ठीक है। वर्क डन टू टेकिंग क्यू थ्री चार्ज फ्रॉम इंफानेट टू पॉइंट सी कितना हो जाएगा डब्ल्यू थ्री नाम दे दो इसको, डब्ल्यू थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा डब्ल्यू थ्री इक्वल टू डब्ल्यू थ्री इक्वल टू वी टू इंटू किस चार्ज को लेकर आ रहे क्यू थ्री को, और क्यू थ्री को किस पॉइंट पे लेकर आ रहा है सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी टू, नाम क्या दे रखा है वी टू, टू डब्ल्यू थ्री इक्वल टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो वी टू को वैल्यू रखेंगे उसमें क्यू थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू थ्री का मल्टीप्लाई इसके साथ और क्यू थ्री का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आ जाएगा के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा के क्यू टू क्यू थ्री डिवाइड बाय, ये इक्वेशन नंबर फोर। यहाँ पर वर्क डन की क्वेश्चन कौन सी थी फर्स्ट, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों वर्क डन को जोड़ दो तो W आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा K Q1 Q2 अपन R12, ये तो जीरो ऑलरेडी पहला वाला तो जीरो ही था, ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपन R12 प्लस K Q2 Q3 ओपन R23 प्लस K Q1 Q3 ओपन R, ये आ गया आपका टोटल वर्क डन। फोर चार्जेस ऑफ सिस्टम अपना सिलेबस में नहीं है, खाली थ्री चार्जेस ऑफ सिस्टम ही है, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस, फोर सिस्टम ऑफ चार्जेस नहीं है। अब इसके न्यूमेरिकल जब करते हैं तब इतना फॉर्मूला याद नहीं रहे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है देख लो इसको, ये तो तीन चार्जेस का हो सकता है चार चार्जेस का न्यूमेरिकल पूछ ले, क्योंकि चार चार्जेस का न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दे रखा है, चार चार्जेस का डेरिवेशन नहीं है, वर्क डन का डेरिवेशन नहीं चार चार्जेस के लिए, तीन का है और दो का है, दो का हमने देख लिया क्या क्यों 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 आर
और तीन के लिए ये वाला फॉर्मूला। अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, मान लो ये दे रखा है फिर से वही सेम पॉइंट है आपका ए, पॉइंट है बी, पॉइंट है सी, यहाँ पर रखा है क्यू वन, यहाँ रखा है क्यू टू, यहाँ रखा है क्यू थ्री, और वही डिस्टेंस आर वन टू, ये थी आर टू थ्री, और ये हो जाएगा आर वन थ्री। अब देखो सबसे पहले पेयर बना दो, कितने पेयर बना सकते हो, तो पेयर कितने बन रहे, क्यू वन क्यू टू का एक पेयर है, जितने पेयर बना सकते हो उतने बना दो, क्यू टू क्यू थ्री का एक पेयर है और Q1 Q3 का एक पेयर, इसके अलावा कोई पेयर बना सकते हो क्या? Q1 Q3 Q3 Q1 एक ही है, ठीक है, फिर उल्टा मत बनाना Q3 Q1 करके, ये हो गया। तीन पेयर बना सकते, तीन से ज्यादा पेयर नहीं बना सकते, बस फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी का ये वर्क का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, K Q1 Q2 ओपन R, ये फॉर्मूला आता है। तो जिन दो चार्जेस को ले रहे हो, जिन दो चार्जेस का पेयर ले रहे हो, डिस्टेंस भी उनके बीच की हो रहेगी, Q1 Q3 K Q1 Q2 ओपन R12, Q2 Q3 K Q2 Q3 ओपन R23, फिर Q1 Q3 तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 ओपन R13, ठीक है, ये टोटल यहाँ पर वर्क डन लिख देना नंबर एक नॉट के अंदर। उसी तरह से नंबर दो न्यूमेरिकल में काम आएगा, अगर चार सिस्टम दे रखे हैं, ये हो जाएगा A B C D, यहाँ मैंने रखा है Q1 को, यहाँ रखा है Q2 को, यहाँ रखा है Q3 को, यहाँ रखा है Q4 को, पूछे टोटल वर्क डन कितना होगा, यहाँ एनर्जी पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी, वर्क डन कितना होगा, तो एक ही बात है दोनों। अब इसमें पेयर बनाने पड़ेंगे चार सिस्टम का, इसको ट्राई करना पेयर बनाने की, पेयर कितने बनेंगे, तो यहाँ पर छह पेयर बनेंगे, एक दो तीन चार पांच और छ, Q1 Q2 Q2 Q4 Q4 Q3 Q3 Q1 और एक क्रॉस में बन जाएंगे Q1 Q4 Q2 1, यहाँ की डिस्टेंस का नाम लिख दो R12, वन टू यहाँ लिख दो टू फोर, यहाँ लिख दो थ्री फोर, यहाँ लिख दो वन थ्री, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगी R14, और ये वाला हो जाएगी R23। अब इसका फॉर्मूला बनाना, तब इसमें टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, तो उतने यहाँ पर इसमें तीन पेयर बन रहे थे, तो यहाँ तीन बार जोड़ दिया था, अब यहाँ पर कितने बन रहे, छः, एक दो तीन चार पाँच और छः, तो क्या है Q1 Q2 ऊपर आने वाला फॉर्मूला छः बार लगाना, लेकिन सिंबल ध्यान से और इसका फॉर्मूला बनाना, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल अपन देखेंगे।